राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अभी तक भी खाली है, वहीं दिल्ली में इस पर घमासान लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह किरोड़ी लाल मीणा राजनाथ सिंह से मिले। दोनों के बीच काफी देर तक मुलाकात के बाद किरोड़ी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आने लगी। राजनाथ सिंह ने किरोड़ी के साथ प्रदेश के अन्य नेताओं के साथ भी चर्चा की। इस बीच सीएम राजे ने भी पीएम से मिलने का वक्त मांगा। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री राजे भी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। राजे बीकानेर हाउस से देर शाम राजनाथ से मिलने उनके आवास पहुंची थी। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में दी गई आधिकारिक जानकारी में बताया गया कि दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में प्रदेश के लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। राजे राजनाथ मुलाकात से ठीक पहले राजे ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से लंबी बातचीत की। किरोड़ी व राजनाथ के बीच काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। राजनाथ सिंह जब भाजपा में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब किरोड़ी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। माना जा रहा है कि किरोड़ी व राजनाथ के साथ बातचीत के जरिए प्रदेश अध्यक्ष के विवाद को हल करने की दिशा में कोई नया फार्मूला खोजा जा रहा है। 2 महीने पहले शोक परनामी के इस्तीफे देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय इकाई की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे बढ़ाया गया था, लेकिन प्रदेश इकाई ने इस पर एतराज जताया। इसके बाद से ही केंद्र और राज्य नेतृत्व के बीच अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान बनी रही। हालांकि इस मामले में अब तक पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने खुलकर कुछ भी नहीं बोला। इस बीच दिल्ली से आ रही खबरों के अनुसार अध्यक्ष पद पर जल्द ही घोषणा की जा सकती है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में प्रदेश भाजपा नेताओं के बीच दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने भी सीएम राजे से मुलाकात की। भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए कई मंत्री बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे।